हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाले अंग्रेजी शब्द, जिसके बिना हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। इज, इज का मतलब होता है। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? ही के साथ, सी इट नेम, जैसे ही इज, सी इज, इट इज और नेम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। एम, एम का मतलब होता है हूँ। इसका यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं, जैसे आई एम, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। नेक्स्ट, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आर, आर का मतलब होता है। इसका यूज हम वी के साथ, दे और यू के साथ करते हैं, जैसे वी आर, दे आर, यू आर। वी आर टीचर, हम लोग शिक्षक हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वाज, वाज का मतलब होता है था। रूल देखते हैं, इसका यूज हम आई, ही, सी, इट और नेम के साथ करते हैं, जैसे आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट से। आई वाज ए राइटर, मैं एक लेखक हूँ। आई वॉज ए राइटर। वेयर, वेयर का मतलब होता है थे या थी। इसका यूज हम यू, वी, दे के साथ करते हैं, जैसे यू वेयर, वी वेयर, दे वेयर। एग्जाम्पल, वी वेयर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। व्हील, व्हील का मतलब होता है गा, गे या गी। इसका यूज हम आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे के साथ करते हैं, जैसे आई विल, ही विल, सी विल, इट विल, इट से। एग्जाम्पल, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या फिर सकता हूँ। ये एबिलिटी को दिखाता है कि ये हम कर सकते हैं। इसका यूज हम आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ करते हैं, जैसे आई कैन, यू कैन, वी कैन। एग्जाम्पल, वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस। मैं का मतलब होता है सकता हूँ या सकती हूँ, पर ये हमें परमिशन दर्शाता है, जैसे क्या हम ये कर सकते हैं। ये हम, जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू। कुड, कुड का मतलब होता है सकता था या सकते थे। ये कैन का पास्ट है, ये भी एबिलिटी को दर्शाता है। इसका यूज हम आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ लगाते हैं, जैसे आई कूड, यू कूड, वी कूड, इट सी। एग्जाम्पल, आई कूड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कूड नॉट डू इट। कैन बी का मतलब होता है जा सकता है या जा सकती है। इसका रूल देखते हैं, इसका यूज हम
आई यू वी दे ही सी इट और नेम के साथ लगाते हैं, जैसे आई कैन बी, यू कैन बी, वी कैन बी इट सी। एग्जाम्पल, ही कैन बी चीटेड, उसे दिखा दिया, सॉरी उसे धोखा दिया जा सकता है। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। हैव का मतलब होता है पास है। इसका यूज हम आई यू वी और दे के साथ करते हैं, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक। हैज का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है पास है। इसका यूज हम ही सी इट और नेम के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ही हैज ए कार। हैड का मतलब होता है पास था। इसका यूज हम आई यू वी दे ही सी इट और नेम के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, दे हैड ए कार, उसके पास एक कार था। दे हैड ए कार। अबाउट टू इसका मतलब होता है वाला हूं या वाली हूं। इसका यूज हम आई यू वी दे ही सी इट और नेम के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई वाज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। बी का मतलब होता है हो। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। बीइंग का मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। एग्जाम्पल, इट्स बीइंग टफ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी। बीन का मतलब होता है आ रहा हूं या आ रही हूं। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी। उड उड का मतलब होता है गा, गे या गी। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग। माइट माइट का मतलब होता है शायद हो सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो। डू डू का मतलब होता है क्या हूं या क्या है। इसका यूज हम आई वी यू
और दे के साथ करते हैं, जैसे डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। डज, डज का मतलब होता है क्या है। इसका यूज हम ही सी इट और नेम के साथ करते हैं। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी। डिड, डिड का मतलब होता है क्या था, क्या थे या क्या थी। डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो। गोइंग टू का मतलब होता है करने जा रहा हूं या करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्ले। ओट, ओट का मतलब होता है चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, जैसे यू ओट टू रिस्पेक्ट ओमेन, तुम्हें औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ओट टू रिस्पेक्ट ओमेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइल।